Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another part of Untamed Novel Explanation. बहुत जल्दी हम नोवेल को कंप्लीट कर लेने वाले हैं. मैंने आपको बताया था नोवेल में 126 चैप्टर्स हैं और अभी हम चैप्टर 92 पर हैं. नोवेल के 113 चैप्टर सीरीज से रिलेटेड हैं, मतलब जिनसे सीरीज ली गई है, और बाकी 13 चैप्टर्स जो हैं उनका सीरीज से कोई लेना देना नहीं है. जैसे कि एक चैप्टर मैंने आपको शेयर किया था, आपको याद होगा, फैमिली बैंक्वेट, तो वो सीरीज़ में वैसा कुछ भी नहीं था. तो बाकी 13 चैप्टर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं और उनमें मोस्टली चैप्टर्स में वेंशियन लव लाइफ, वेंशियन रोमांस ही है. और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि वेंशियन की शादी कैसे हुई थी, इस बात के लिए आपने नहीं बताया कुछ भी. तो गाइस, नोवेल में कोई भी ऐसा स्पेशल चैप्टर नहीं बताया वेंशियन की शादी को लेकर. लेकिन हाँ, आगे जाके एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इंसेंस बर्नर. उस चैप्टर में वीइंग वांगजी से कहता है कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं. इसका मतलब दोनों की शादी तो हुई है, लेकिन स्पेशली ऐसा कोई चैप्टर उन दोनों की शादी को लेकर नहीं दिखाया है नोवेल में. और लास्ट चैप्टर जो आएगा सीरीज़ का, 113 चैप्टर, तो उसमें उन दोनों ने आपस में बोला था हमारे 3 प्रोस्ट्रेट कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब अब हम हस्बैंड वाइफ हैं. तो लास्ट पार्ट में 2 प्रोस्ट्रेट तो उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे एंसेस्ट्रल हॉल में, बट वो 3rd प्रोस्ट्रेट कब कंप्लीट किया इसके बारे में भी मैंने तो अभी तक नहीं रीड किया है. तो आज इंट्रो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलो अब नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं. तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वीइंग वांगजी से कहता है मैं सो रहा हूँ और मुझे 3 बजे उठा देना. वांगजी वहीं पास में आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगा. वीइंग बहुत सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, और फिर वो करवट लेकर वांगजी की तरफ देखने लगा और सोचने लगता है जब मैं क्लाउड ड्रेसेस में मुशन्यू बनकर रह रहा था तो मैं जानबूझकर वांगजी को तंग करने के लिए सबसे ये कहता था कि जब तक बेड में वांगजी ना हो तो मुझे नींद नहीं आती है. लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वो बकवास सही साबित हो रही है? क्या मैं सच में अब नहीं सो सकता जब तक मेरे साथ वांगजी ना हो? लेकिन कैसे भी करके वो अपनी आंखें बंद करता है और फाइनली उसे नींद आ जाती है. जब वो अपनी आंखें खोलता है तो 5 बज चुके होते हैं. फिर वो वांगजी से कहता है लंजा मैंने तुमसे कहा था कि मुझे 3 बजे उठा देना, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वांगजी कहता है तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे दिमाग को प्रॉपर आराम की जरूरत है, जल्दबाजी मत करो. अब वीइंग वांगजी से कहता है लंजा आई एम सॉरी, मुझे सोते सोते कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, अब तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए. लेकिन वांगजी कहता है नहीं, मुझे आराम करने की ज़रूरत नहीं है. अब पीछे से उस लेडी ओनर की आवाज़ आती है यंग मास्टर्स मैं डिनर लेकर आ गई हूँ. वीइंग दरवाज़ा खोलने जाता है. वो लेडी वीइंग को वो डिनर और अल्कोहल की बोतल हाथ में देते हुए कहती है यंग मास्टर आप तब से सो ही रहे थे. वीइंग हंसने लगता है. अब वो लेडी डिनर अंदर लाते हुए कहती है यंग मास्टर्स आप दोनों कहाँ से हैं? तो वीइंग कहता है हम दोनों गुसु से आए हैं. तो वो लेडी कहने लगती है मैं यही सोच रही थी, आप दोनों जैसे दिखने वाले इतने हैंडसम लोग यहाँ आसपास के तो नहीं हो सकते, आप जरूर किसी स्पिरिचुअल जगह से ही आए होंगे. वांगजी अपनी मेडिटेशन में ही लगा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो. लेकिन वीइंग हंसते हुए कहता है मुझे उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है. वो लेडी भी हंसते हुए कहने लगती है वो हैंडसम है और आप क्यूट हैं, आप दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं. अब वो कहने लगती है यंग मास्टर्स अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो आपको हमारी सिटी के गोयन टेम्पल में जाना चाहिए. और वीइंग उससे टेम्पल की कुछ जानकारी लेता है, फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है. अब वीइंग वांगजी से कहता है हम कल यहाँ टेम्पल की तरफ जाएंगे और आसपास के लोगों से इसके बारे में पता करेंगे. अब वो एक ग्लास में वाइन करने लगता है और सोचने लगता है मैं बस लंजा से पूछूंगा कि क्या वो पीना चाहता है या नहीं, अगर वो पीना चाहेगा तो ठीक है और अगर वो नहीं पीता तो रहने देते हैं, और अगर वो पीने के बाद ड्रंक हो जाता है तो मैं बस उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश नहीं करूंगा, और वैसे भी जब वो होश में आएगा तो उसे ये सब कुछ भी याद नहीं रहेगा. वो ग्लास में वाइन करके वांगजी की तरफ रखता है.
क्योंकि वांगजी थोड़ा बिजी था तो उसने ग्लास की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और ग्लास को उठाकर डायरेक्ट वाइन पी ली। अब वींग भी वाइन पीने लगा और पीते पीते कहने लगा, ये लेडी ओनर सचमुच में बहुत ईमानदार है। मैंने कहा था वाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, वाइन सचमुच में बहुत स्ट्रांग है। वांगजी अगेन वाइन पीते ही वही मैट पर सो जाता है। वेइंग कंफर्म करने के लिए उसके आगे हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी कोई रिएक्शन नहीं देता। अब वेइंग उसकी चिन को पकड़ते हुए कहने लगता है, हांगुन जुन, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, फाइनली तुम मेरे हाथ में आ ही गए। वांगजी को देखकर वेइंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके बहुत पास जाता ही चला गया। वो उसके अंदर से आते हुए सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस को भी इस्तेमाल कर सकता था और ऐसे ही उसे देखते हुए उसके फेस की तारीफ करने लगा। लंजा वैसे तो बहुत कोल्ड दिखता है, लेकिन वो इतना हैंडसम दिखता है कि उससे नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता। और फिर उसके ऊपर से आते हुए वो सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस। तभी अपने आप को होश में लाते हुए कहता है, वे वुशियन, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, अपना दिमाग साफ रखो। और तभी वो वांगजी को वहीं लेटा छोड़ते हुए खड़ा हो जाता है और रूम में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता। फिर वांगजी के पास जाकर बैठ जाता है, कभी उसके गाल छूने लगता है और फिर सोचने लगता है, मैंने लंजा को कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। और अपने फिंगर्स को वांगजी के लिप्स के पास ले जाते हुए उसकी लिप्स को स्माइल वाली शेप देने की कोशिश करता है। वो ऐसा करने ही लगता है कि वांगजी अचानक अपनी आंखें खोल लेता है और उसके फिंगर पे बहुत जोर से काट लेता है। वेइंग क्योंकि डॉग्स से हमेशा डरता था, तो जब भी उसे कोई काटता था उसे डॉग्स की याद आ जाती थी। तो वो वांगजी से यही कहने लगता है, वांगजी तुम मुझे डॉग की तरह काट क्यों रहे हो? वांगजी ने जब फाइनली उसका हाथ काटना छोड़ा, वेइंग वहां से उठकर जाने लगा, तो वांगजी ने बीचेन निकालकर वेइंग की स्लीव से होते हुए सिटिंग मैट पर स्टेप किया, जिससे वेइंग की स्लीव्स और सिटिंग मैट में होल हो गया। वेइंग उसे डांटते हुए कहने लगा, लंजा देखो तुमने क्या किया, तुमने सिटिंग मैट में होल बना दिया, अब तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। वांगजी उसके कॉलर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम पे कर दो। अब वो बीचन उठाने लगा जैसे वो एक दो बार और स्टैप करना चाहता हो, तो वेइंग ने उसे रोक लिया और उसे फिर से डांटने लगा, लंजा एक कप वाइन के बाद तुम्हें क्या हो जाता है, देखो तुम क्या गलत हरकतें कर रहे हो। ये सुनकर वांगजी ने बीचन को ग्राउंड पर ही फेंक दिया। तो वेइंग कहने लगा, इतनी डेंजरस चीज को ऐसे ही ग्राउंड पर मत फेंको। वांगजी ये सुनकर फील करने लगा जैसे उसने सच में कुछ गलत किया हो और एक तरफ जाकर बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। वेइंग उसकी तरफ देखने लगा और अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा, उसे सच में ये ड्रंक लांग वांगजी बहुत पसंद आ रहा था। वेइंग भी उसके पास जाकर बैठ गया और उसे अपने स्लीव्स दिखाते हुए कहने लगा, देखो तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब तुम्हें इन्हें मेरे लिए सिलना होगा। वांगजी ने इस बात पर अपना सिर हिला दिया, तो वेइंग पूछने लगा, क्या तुम्हें पता है कपड़ों को कैसे सिला जाता है? वांगजी मना कर देता है, तो वेइंग कहता है, मुझे पता था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता तो सीखो, तुम्हें मेरे कपड़ों को सिलना ही होगा। वांगजी फिर सिर हिला देता है। अब वेइंग एक और सिटिंग मैट लेके पुराने वाले सिटिंग मैट के उस होल को ढकने लगता है और वांगजी से कहता है, मैं अभी इसे ढक देता हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने यहाँ क्या किया था। वांगजी अपना मनी पाउच निकालते हुए वेइंग के हाथ में देता है और कहता है, पे कर दो। तो वेइंग कहने लगता है, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, क्या तुम सच में मुझे अपना मनी पाउच दे रहे हो? थैंक यू लंजा, मैं तो अमीर हो गया। वो ऐसा कहता ही है कि वांगजी वापस से अपना मनी पाउच ले लेता है और सैड दिखने लगता है। वेइंग कहता है, तुमने वापस क्यों ले लिया, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना मनी पाउच दोगे। वांगजी ने उससे अपना मुंह फेर लिया, तो वेइंग उसको अपनी तरफ करते हुए कहने लगा, ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। और दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। वेइंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फाइनली वो कहता है, ठीक है मैं हारा, अब हम लास्ट वाला गेम खेलते हैं जो हमने पहले खेला था, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें आंसर देना होगा। वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रूम के बाहर ले जाता है और नीचे हॉल में ले आता है। लेडी ओनर कहने लगती है, यंग मास्टर्स क्या हुआ, क्या आपको फूड पसंद नहीं आया?
वेयिंग घबराते हुए कहने लगा, फूड बहुत अच्छा था और वाइन तो बहुत ही अच्छी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी। वो इतना कहता ही है कि वांगजी उसे इनके बाहर खींच लाता है। अब वेयिंग वांगजी से कहता है, तुम आखिरकार जाना कहाँ चाहते हो? वांगजी उसे एक घर के पास ले जाता है और वहाँ का चिकन कूप दिखाने लगता है और उसे खींचते हुए अंदर ले आता है। वांगजी उस चिकन कूप से चिकन निकालकर वेयिंग को देने लगता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। वेयिंग कहता है, लंजा तुम्हें पता है तुम चोरी कर रहे हो, इन चिकन के ओनर हैं। अगर उन्हें पता चला कि प्रसिद्ध हंगुन जुन उनके घर चिकन चुराने आए थे तो वो क्या सोचेंगे? लेकिन वांगजी उसकी बातें नहीं सुन रहा था और उसे चिकन दिए जा रहा था। अब दोनों हाथ में चिकन लिए वहां से आने लगते हैं। रास्ते में वेयिंग सोचने लगता है, वांगजी को अचानक चिकन चुराने का मन क्यों हुआ? क्या वो चिकन खाना चाहता है? फिर वो वांगजी के बालों में देखता है तो चिकन का एक फैदर लगा हुआ था। जैसे ही वो फैदर हटाने वाला होता है, वांगजी पासी के एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। वेयिंग कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो? वांगजी उस पेड़ पर लगे पेड़ को तोड़कर वेयिंग के हाथों में देने लगता है। तो वेयिंग मन में सोचने लगता है, पहले वो चिकन चुरा रहा था और अब वो यहाँ बेर चुराने आ गया है। तभी उसे दिमाग में आता है, अभी कुछ समय पहले लोटस कोव में मैंने वांगजी को ये सब बातें बताई थी कि जब मैं छोटा था तो मुझे पेड़ पर चढ़ना और चिकन चुराना पसंद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांगजी को भी अब वो सब एक्सपीरियंस करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है? गुसु लैंड एक्ट के नियमों की वजह से वांगजी जब छोटा था तो ये सब कुछ नहीं कर पाया होगा और अब जब वो नशे में है तो वो ये सब करना चाहता है। वांगजी सारे बेर को तोड़कर अपने हाथों में भरकर वेयिंग के हाथों में देने लगता है और कहता है, ये सब तुम्हारे लिए हैं। वेयिंग जैसे ही सारे बेर पकड़ने वाला होता है, वांगजी अपने हाथों से छोड़ देता है और सारे बेर नीचे गिर जाते हैं। वेयिंग फिर कहने लगता है, अब तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थे, अचानक से क्या हुआ? कम से कम मुझे ये चिकन तो दे दो, मुझे ये चाहिए। तो वांगजी उसके हाथ में वो चिकन दे देता है। अब वेयिंग कहने लगता है, अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? तो वांगजी उसे रोकते हुए कहता है, तुम नहीं, हम। वेयिंग भी कहने लगता है, ठीक है, अब हम आगे क्या करें? और मन में सोचने लगता है, अगर किसी को पता चला कि हंगुन जुन यीलिंग पैट्रियार्क के साथ मिलकर आधी रात को गलत काम करने निकले थे तो क्या होगा? अब वांगजी एक घर की वॉल पर जाकर लिख देता है, लान वांगजी यहाँ आया था, और बेचिन वेयिंग के हाथ में दे देता है और इशारे करने लगता है कि तुम भी अपना नाम यहाँ लिखो। वेयिंग भी अपना नाम वहाँ लिख देता है, वे हुशेन भी यहाँ आया था। अब वांगजी बेचिन लेकर उन दोनों के नाम के नीचे दो लड़कों के किस करते हुए एक फिगर बना देता है। वेयिंग मन में सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आया, वांगजी सचमुच में वही सब करना चाहता है जो मैंने उसे लोटस कोव में बताया था, जो मैं किया करता था, लेकिन तब मैं सिर्फ 12 या 13 साल का था। मुझे हम दोनों के नेम्स यहाँ से मिटाने होंगे, अगर किसी ने देख लिया तो सच में बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तभी वहाँ एक डॉग भौंकते हुए आ जाता है। वेयिंग लंजा के पीछे जाकर छुप जाता है और कहने लगता है, लंजा मुझे बचाओ, मुझे इस डॉग से दूर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांगजी उस डॉग के आंखों में देखता है और वो डॉग डर के वहां से चला जाता है। अब फाइनली वेयिंग उसे वापस इनके रूम में ले आता है। उसकी हालत देखते हुए कहता है, लंजा तुम बहुत गंदे हो रहे हो। तो वांगजी कहता है, मेरा फेस वॉश कर दो। वेयिंग कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारी नहाने में ही मदद कर दूं? वांगजी हाँ कर देता है। वेयिंग नीचे जाकर एक टब में बॉयल वाटर ले आता है और उसे एक बाथ टब में पलट देता है। वेयिंग वांगजी से उसके कपड़े निकालने के लिए कहने ही वाला था कि वो देखता है कि वांगजी पहले से ही अपने कपड़े निकाले हुए वहां खड़ा था। वेयिंग वांगजी को कई बार क्लाउड रिसेस के कोल्ड स्प्रिंग में बिना कपड़ों के देख चुका था, लेकिन तब उसके दिमाग में कोई भी अलग थॉट्स नहीं थे और कोल्ड स्प्रिंग में ज़्यादातर वांगजी आधा पानी में ही रहता था। लेकिन अब जब वांगजी उसके सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़ा था तो वेयिंग को बहुत अजीब लग रहा था और मन में वो सोच रहा था, क्या मुझे अपने दिल की बात सुनकर वांगजी को ऐसे ही घूरते रहना चाहिए या फिर एक डिसेंट इंसान की तरह कोई कपड़ा लाकर उसे कवर करना चाहिए। वो ये सोचकर पीछे हटने लगता है, लेकिन वांगजी उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है।
वेइंग वांगजी से कहता है, मैंने बात जब मैं पानी कर दिया है, अब बाकी तुम कर लेना। लेकिन वांगजी उसकी तरफ बढ़कर उसकी बेल्ट खोलते हुए उसके कपड़े निकालने लगता है। वेइंग उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मुझे नहीं नहाना है, तुम नहा सकते हो। मुझे बड़े बाथटब पसंद हैं, इस बाथटब में दो लोग नहीं आ पाएंगे। वांगजी निराश होकर अकेला ही बाथटब में चला जाता है। वेइंग कहता है, तुम अब नहा सकते हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो ऐसा कहता ही है कि वांगजी बाथटब से निकलकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे अब नहीं नहाना। तो वेइंग कहता है, लेकिन क्यों, तुम बहुत गंदे हो रहे हो और तुम्हें नहा लेना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूँ? वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वेइंग समझ जाता है कि वांगजी ऐसा ही चाहता है, तो वो उससे कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हारी नहाने में मदद करता हूँ। और मन में सोचने लगता है, मैं सिर्फ उसको स्क्रब करूँगा और मैं उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करूँगा। वेइंग उसको स्क्रब करना शुरू करता है। वांगजी सिर्फ उसी की तरफ देखने लगता है। तो वेइंग कहता है, तुम अपनी आँखें बंद करो, वरना सोप बबल्स तुम्हारी आँखों में जा सकते हैं, जिससे तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन वांगजी उसकी तरफ देखना बंद नहीं करता और अपने फेस को पानी में अंदर ले जाकर बबल्स बनाने लगता है। वेइंग उसके गाल को खींचते हुए कहता है, अर गगा, तुम कितने बड़े हो गए हो। उसको स्क्रब करते करते वेइंग उसकी बॉडी पर वो निशान देखता है और सोचने लगता है, वांगजी ने ऐसा क्या किया होगा जो उसे ऐसी सजा मिली। अब वो उसके बाल पीछे करता है तो उसे उसके चेस्ट पर वो ब्रांड मार्क बना हुआ दिखता है और सोचने लगता है, ये सारे मार्क्स वांगजी की परफेक्ट मेल बॉडी को बिगाड़ रहे हैं। और आखिरकार वो उससे वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है जिसके लिए उसने ये सब किया था, लंजा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है। सडनली वेइंग को लगता है, शायद उसने जोर से स्क्रब कर दिया जिससे वांगजी की पूरी बॉडी रेड हो गई थी। तो वो उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, लंजा, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें दर्द हुआ। और उसकी बॉडी को सहलाने लगता है। लंजा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे टच मत करो। तो वेइंग कहता है, तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हें नहाने में मदद करूं, अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अचानक वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वेइंग कहता है, हंगुनजुन, अब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं तुम्हारा फेस वॉश करूं और अब मैं तुम्हें टच कर रहा हूं तो तुम कह रहे हो मैं तुम्हें टच ना करूं, तुम आखिरकार चाहते क्या हो। तो वांगजी कहता है, कुछ भी हो, बस तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वेइंग वहीं बैठ जाता है और वांगजी के फेस पर वाटर स्प्लैश करने लगता है। वांगजी कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझे नहीं छू सकते। अब वेइंग को गुस्सा आ जाता है तो वो कहने लगता है, अगर मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूं तो तुम क्या कर लोगे, मुझे पनिश करोगे या मुझे साइलेंस कर दोगे। स्ट्रॉन्ग वाइन का इफेक्ट वेइंग के दिमाग पर भी था। अब वो अपना हाथ बाथटब में ले जाकर वांगजी को छूने लगता है और कहने लगता है, लंजा, क्या तुम्हें सच में नहीं पसंद जब मैं तुम्हें ऐसे टच करता हूँ। वांगजी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वेइंग को बाथटब में खींचकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगकर लंबे समय तक किस करने लगते हैं। वांगजी अब उसे बाइट करने लगता है। तो वेइंग कहता है, लंजा, तुम फिर से डॉग की तरह क्यों बाइट कर रहे हो। लेकिन वांगजी नहीं रुकता और वेइंग उसे परेशान होकर उसे फिर हर जगह छूने लगता है और उसे कहने लगता है, लंजा, क्या तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे गुस्सा होते हो। वांगजी एक हाथ से वेइंग को पकड़ते हुए दूसरा हाथ बाथटब पर मारता है जिससे बाथटब टूट जाता है और पूरे रूम में पानी पानी हो जाता है। वांगजी वेइंग को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर फेंक देता है। वेइंग बचने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और वेइंग उसे छेड़ना शुरू करता है और उससे कहने लगता है, हंगुनजुन, कौन सोच सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम सच में जेंटलमैन कहलाने के लायक नहीं हो। और उसके कान में जाकर चुपके से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी हो, और फिर उसके एयर पे बाइट कर लेता है। वांगजी उसकी वेस्ट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वेइंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, हंगुनजुन, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं खोलना नहीं चाहता, मैं खुद खोलूंगा। और वो सच में अपनी बेल्ट निकालकर अपने कपड़े निकालने लगता है
और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद वाला चैप्टर्स भी आपको पता ही होगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है दोनों के बीच में, लेकिन जल्दी ही लव कन्फेशन भी आएगा। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था, लेकिन आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो मोस्टली चैप्टर्स ऐसे ही हैं। आप फिर एक बार सोच लीजिए कि आप चाहते हैं कि सच में मैं सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अब स्टोरी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस फंक्शन रोमांस ही बचा है। और हाँ, आगे चैप्टर में जिन गोंगवायो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने वाला है, तो क्या आप जिन गोंगवायो के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, क्या उस चैप्टर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ या नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।